हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ, सुबह हो गई है जी। ये कर दिया है पर्दा सा, खिड़की को देखेंगे, सूरज बड़ी आबोताब से निकला हुआ है और अभी उठे हैं सो के, मुंह हाथ धोएंगे। आज हमारा बहुत बड़ा प्लान है जनाब। आज प्लान है कि आज हम जाएंगे आउटिंग पे। सबसे पहले हम सिटी किस में है? लाहौर में, दिल में, पाकिस्तान के दिल में है हम। पंजाब का ये दिल है लाहौर सिटी। और आज हम जाएंगे दाता दरबार और वहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो दरबार का एरिया है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, दरबार की इंट्रेंस दिखाऊंगा कि दरबार की जो मेन इंट्रेंस कौन सी है, दरबार के कौन से दरवाजे हैं जहाँ से आप निकल सकते हैं। सबसे पहला स्टार्ट हम अपनी व्लॉगिंग का वहाँ से लेंगे और उसके बाद आप लोगों को मैं जितना दरबार का एरिया है, दरबार की जितनी स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ पर कितना सुकून होता है। बहुत ज़्यादा सुकून वाला एरिया है वो, इतना सुकून वाला है कि आपकी सोच है। जस्ट स्टे एंड वॉच एंड वेट फॉर इट। जब हम तैयार हो जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे दाता दरबार। स्टे एंड वॉच। हो गए हैं तैयार और अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा दरबार। अभी इंशाल्लाह हम यहाँ से कुछ पैसे उठा लिए हैं और क्योंकि दरबार तो पास है, ज़्यादा सफ़र नहीं है। यहाँ से बाइक उठाएंगे, बाइक को हम पार्क करेंगे किसी जगह एक स्टेशन पे और उस बाइक से हम फिर पैदल दरबार जाएंगे इंशाल्लाह। कहने बाकी शेर व शायरी वहाँ पे जाके करेंगे। जो भी माइंड और थॉट्स में जो चीज़ें मेरे आ रही हैं, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ ऐसी जगह पर, क्योंकि ये बहुत सुकून होता है ऐसी जगह पर। अगर आप चाहें आप वहाँ पे स्टे करें। हम लोग चलते हैं दरबार और आपको भी दिखाते हैं। बाइक पे मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि ये है कि मैं अकेला हूँ, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं, तो इसलिए बाइक पे मैं शूट नहीं करूँगा। जी जी, हम चल पड़े हैं पैदल दरबार की जानेब। ये सीधा रोड दरबार को ही जाएगा। 5 मिनट तक हम पहुंच जाएंगे। तो बस ये छुट्टी है ना, ये दुकानें बंद है, इसलिए ऑन फुट ही है भाई। पार्क कर दी है स्टेशन पे बाइक, तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो लीजिए दरबार के अंदर अभी हम एंट्रेंस करेंगे। वहाँ पर पुलिस की चेकिंग की थी। चेकिंग के बाद अब जहाँ पर मेन दरवाज़ा, जहाँ पर हमारी एक बार फिर चेकिंग होगी, कैमरे को बंद करना पड़ेगा, पुलिस का असूल है। इसलिए दरबार के लंगर का यहाँ पे ज्योति जमा करवाएंगे हम। यहाँ पर ये इसकी सबसे पहले मस्जिद उतरते सारी आती है। असर की नमाज का टाइम देख रहे हैं कितने बजे, 4:45 पे भी 4:20 हुए हैं, टाइम पड़ा है नमाज का। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ दरबार, हज़रत टाटा पंच बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। इनका असल नाम हज़रत उस्मान अली हजबेरी था। पीछे मस्जिद है, ये देखें ज़ायरीन कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मज़े का ये व्यू है। यहाँ पर लोग देखिए आप, यहाँ पर आज वैसे भी संडे का डे, एतवार का दिन है, तो छुट्टी वाला दिन, तो जाहिर बात है कि बड़ी आवाम आती है इस दरबार की। थोड़ा सा बताता चलूँ कि 3 दरवाज़े हैं इस दरबार के। एक बैक एंट्रेंस है, एक फ्रंट डोर है। अब उधर भी लेके जाऊंगा लेकिन हाजिरी के बाद। यहाँ पे फर्श पे जगह पे लोग आराम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे रश है। जहाँ पे लोग दुआ मांग रहे हैं उधर काफ़ी ज़्यादा रश है, तो लाइनें लगी होंगी।
ये मैं अभी आपको दरबार का व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये बैक डोर से हम इंटर हुए थे, हो चुके हैं वजू कर लिया, अभी हाज़री देनी है, हाज़री मैं देता हूँ। मैं आपको फ्रंट डोर का भी दिखा दूँ, फ्रंट डोर दिखाते सार ही फिर मैं आपको हम हाज़री और अंदर वाली जगह भी देखेंगे। ये पीछे रास्ते में अगर मैं आऊँ तो बैक साइड पे मुझे दरवाज़ा एक नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पुराने दौर में सबसे पहले ये भी एक दरवाज़ा हुआ करता था और इसकी हिस्ट्री भी यहाँ कहीं लिखी हुई थी, लेकिन है नहीं है। मैं आपको अंदर से करके दिखाऊं तो ये तकरीबन सोने का दरवाज़ा है, ये वाला दरबार में इंट्रेंस के लिए। वो सामने अगर देखें ना, वो सामने वाली साइड, तो वहाँ से पहले लोग जो हैं वो आते थे ये, तो लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बड़ा कदीम दरवाज़ा है, ये देखें सोने का, इस पर सोने से काम किया हुआ है। जब कभी बंद होता है तो लोग यहाँ पर आकर दुआ मांगते हैं। पहले ये भी इंट्रेंस थी दरबार की, लेफ्ट साइड है, पीछे सारा जो एरिया है वो लंगर खाने का एरिया है। यहाँ पे मेन है, अभी थोड़ा सा रश कम होता है तो मैं आता हूँ इधर। कुछ जो भी हजरात भी यहाँ पे बैठे हुए हैं आते थे दरबार में, तो वो मेन इंट्रेंस है जहाँ पे लोग इंटर करते हैं। यहाँ पर ये रश देखिए, तो मर्दों के लिए आने का है और बाएं जाने जो रास्ता है वो औरतों के लिए आने का है। और अपर साइड पे हम हैं, बैक साइड। पहले ये एक दरवाज़ा मेन इंट्रेंस का था और ये इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर कुछ दहशतगर्दी के वाक़ात भी हुए थे, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था। फिर वहाँ पे सामने मेन इंट्रेंस में उन्होंने उधर उसको बंद किया हुआ है। तो हम आए हैं बैक डोर से और ये सामने है फ्रंट डोर, जहाँ से वो सामने मेट्रो देखिए, वो मेट्रो बस का सारा स्टेशन है, मेट्रो बस वहाँ से आती है, वहाँ से यहाँ पर जो लोग फिर यहाँ पे इंटरेस्ट करते हैं। ये ज़्यादातर व्यू आप ये वाला देखते होते हैं, पिक्चर्स भी कुछ दिखाएंगे आप। तो ये बेसिक फ्रंट व्यू जो पिक्चर्स में, जो वीडियोस में, जो व्लॉग्स में हर तरह से ये दिखाया जाता है, जो अभी सामने है सूरज का ऊपर बड़ा खूबसूरत मंजर है। ये मैं ज़ूम करूँगा तो ये एक व्यू लेते हैं, कैप्चर किया है। बैक साइड पर मेट्रो स्टेशन है, फ्रंट साइड पर ये दरबार है, इसकी सामने मस्जिद है और बिलालगंज का एरिया इसको लगता है। सामने यही रोड जो आपने मेट्रो के नीचे देखा है, ये आज़ादी चौक, यही जगहों पर। और ये बैक साइड से फ्रंट साइड हम आए हैं, तभी दरबार की अजान शुरू होती है। ये है हुजरा इत्तेफाक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर शरीफ से जो जिनका ताल्लुक है। तो लिखा हुआ है कि हजूर करीब नवाज साहब ने मदीना शरीफ से अजमेर जाते हुए इस जगह क़याम फरमाया, इन्होंने इस जगह पे क़याम फरमाया था। अगर मैं इसकी हिस्ट्री आपको दिखाऊं तो इसमें पूरी काफ़ी ज़्यादा ये लिखा हुआ है कि सदी की रवायत के मुताबिक ये मुकद्दस मकाम हजरत आता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की पहली तमीर करदा मस्जिद का मेहराब है, जहां अपने अपने मुकद्दी हजरात को काबतुल्लाह की ज़ियारत करवाकर सुन्नत क़िबला की तस्दीक कर लिया। ये उन्होंने एरिया एक मुख्तस किया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एरिया अगर आप यहाँ से देखें तो आप देखेंगे ये दरबार की छत पर भी कबूतर हैं और नीचे भी हैं जो कि दरबार पे रहते हैं। कुछ बहुत बूढ़े हो चुके हैं इनमें, कुछ बहुत बूढ़े कबूतर भी हैं इन जगह पे। 4:34 हो चुके हैं, 4:45 या 50 पे जमात खड़ी होनी है, फिर हम नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद फिर मैं आपको सूरज के जाने का मंदिर भी दिखाऊंगा। थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूँ।
ये देखें यहाँ पे एरिया। हाज़िरी देने के बाद मैं इधर सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ, कुछ शॉर्ट्स भी वीडियो के बनाने हैं। वो सामने देख पाएंगे तो मेट्रो बस जा रही है, और मेट्रो बस यहाँ से शाहदरा से अपना कजूमते तक चलती है, और ये दरबार का स्टेशन है, इसके साइड पे कचहरी स्टेशन आता है। बहुत सारे शेर मुझे इस वक्त याद है। अभी सामने जो फ्रंट पे जो मेरे शेर लिखा हुआ है ना, वो है गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। इसका मतलब ये है कि आप एक नूर खुदा का मजहर हैं, दूसरे नंबर पे आप जो लोग ना के सारा हैं आप उनके भी पीरे कामिल हैं, और जो कामिल लोग हैं ना आप उनके भी रहनुमा। तो बड़ा ये बचपन से हम शेर सुनते आ रहे हैं। कुछ फारसी के अशार भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, सैयद हजवेर खुर्शीद यकीन ज़ात तो हसन हसीने शुरू दी, ये फारसी में कुछ शेर है। और अभी थोड़ी देर में नमाज का वक्त हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, कुछ शॉर्ट्स। कुछ तो बात है जो इतने लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं अपने ज़ायरीन देखें। इसी इतबार में आपने फ्रंट में भी देखे थे और आप अभी भी देख रहे हैं, क्या खूबसूरत माशाल्लाह ये समा है, क्या खूबसूरत समा है। चलो आपकी भी आगे कबूल फरमाए, और जो भी किसी की दिली मुराद है अल्लाह ताला जायज़ दिली मुराद अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों को सबके जो है हम सबको बख्शते। थोड़े से टाइम में यहाँ पर शुरू हो जाएगी नमाज, और ये लोग अभी मेरा ख्याल है कि वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए जी नज़र व न्याज भी यहाँ पर मिलती है, और देखिए मुझे मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब ये मुझे मिलती है। ये बड़े किस्मत वाले लोगों को कहते हैं कि मिलती है, बड़ी बात है जी। नमाज का भी टाइम होगा तो नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये न्याज होती है, इसका ये मतलब था कि मुझे एक बात याद आ रही है जो हम बचपन में सुना करते थे बड़ों से भी, कि इस नगरी में कोई भूखा नहीं सोता, भूखा बिल्कुल भी नहीं सोता। क्योंकि आप यहाँ पे 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए खड़े हों तो कोई ना कोई चीज़ आ जाए। लोग यहाँ पे कुरान भी पढ़ते हैं, बख्शिश का ज़रिया भी बनते हैं इन बुज़ुर्गों का, तो वो इनको कुरान पढ़ते हैं। क्योंकि यही एक हमारा वो सीन है कि जिसमें हम कहते हैं कि चीज़ें जो हमारे साथ चलती हैं, जो कि क़यामत वाले दिन भी हमें लिए काम आएंगी, वो सदका जारिया चीज़ें होती हैं। कि जो हमारी कब्र पे आके कोई फातिहा पढ़े या कुरान पढ़े, वो जो है वो उस कब्र में लेटने वाले के लिए शफा और बख्शिश का ज़रिया बनती है। अल्लाह ताला जो है वो उसके लिए शफा और बख्शिश करते हैं। बेसिक तो ये अल्लाह ताला ने इन लोगों को इस दुनिया में मिसाल इसलिए बनाया हुआ है कि हम लोग ये देखें कि हमने अपनी ज़िंदगियों को कैसे मुनव्वर करना है। अब मेरे पीछे लोग तो अब देख ही रहे होंगे, थोड़े लोग नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और हर कोई एक आके यहाँ पे सूरत पड़ता है। तो कितना मतलब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद किए हों अल्लाह ताला ने इंसान के। ये दुनिया में हमें इस चीज़ को दिखाया गया है जनाब आबाद। बहुत सारे अशार मुझे याद आ रहे हैं, वो कहते हैं कि वो सल्तनतें बदली हज़ारों बादशाह बदले, हज़ारों सल्तनतें बदली हज़ारों बादशाह बदले, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे दाता की। तो ये यहाँ पे लाहौर में बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्लेस है। 1 घंटा मुझे कम से कम हो चुका है यहाँ पे बैठे हुए, जाने का दिल ही नहीं करता किसी जगह। यहाँ पे रहमत मुझे लगता है कि बरसती है ऐसे बात, एक अजीब समा है, अजीब सुकून है। लोगों के दिल में बहुत सारी परेशानियाँ और टेंशन्स हैं, मुझे पता है होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। हर बंदा स्ट्रगलिंग फेज़ में है, हर बंदा उस फेज़ से गुजर रहा है। तो इसीलिए अल्लाह ताला हम सब की आज़री कबूल फरमाए। नमाज कर लिया जी अदा, दुआ हो रही है, दुआ मान के पहले बाहर आ रहे हैं। बड़े मज़े के आ रही है मखाने। अभी ये थोड़ी सी महफिल यहाँ पे शुरू है, इसी का बुजुर्ग जो है वो कलाम पढ़ रहे हैं, आपको सुनाते हैं ये कलाम भी। आइए तो झोलियाँ भर भर ले जाता बड़ी बड़ा सखी दे दरबार अली दे लाला दा तेरी आज नमाज सुखा दो हम ला किस खाते
जे नहीं हो तू बदार अली दे लाला दा सारी गलगत सदका ही लजपालों दा खांदी ए जग ते दाना दाना अली दे लाला दा मगते बन के जबरील अमीन भी बनते ने सदका यार रोजाना अली दे लाला दा। अगर आप इसको आपने इसको लाइक किया है या आपने इसको पूरा देखा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, इस ब्लॉग को भी। जिनको नहीं पता, मैंने दिखाया तो है कि ये एंट्रेंस हैं, यहाँ से अंदर आना है, वो रोड्स भी बताए हैं, लंगर खाने वाली साइड वाला। किसी दिन बनाएंगे ब्लॉग इंशाल्लाह।